उससे यदि अपने फोन पे गेम खेलते हैं और गेम की जैसे आप चालू करते हैं तो आपका फोन काफी ज्यादा हैंग करने लगता है, आपका डिस्प्ले कभी कभी बीच में रुक जाता है, या आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जो हाईली एप्लीकेशन होती है तो आपको वहां पे भी हैंगिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी इस हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यदि आप गेम खेलते समय या किसी बड़े एप्लीकेशन को यूज करते समय प्ले करते समय को हैंगिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं तो 100% आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपकी वीडियो लास्ट तक देख लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने फोन पे गेम खेलते हैं और गेम खेलने बाद कुछ ही देर बाद हमारा फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हैंग करना शुरू कर देता है, या हम किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में हमारा डिस्प्ले एकदम से फ्रीज हो जाता है, मतलब रुक रुक के चलने लगता है, इतना ज्यादा हैंग करता है। तो अपनी इस हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपने फोन पे कुछ ट्रिक अप्लाई करनी होगी, उसके लिए आपको हो सकता है एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करना पड़े, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी होगी और ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आप अपने फोन को हैंगिंग प्रॉब्लम से 100% सॉल्व कर पाओगे, बचा पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करके डाउनलोड कर लेना। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो सिंपली मैं उसे ओपन कर लेता हूं। तो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया जिसका नाम है फोर स्टॉप एप्स। ये एप्लीकेशन की मदद से आप अपने बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं ना उसे आप रोक सकते हैं। अब मैं आपको सच बता दूं ना, मेरे फोन पे अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज्यादा जूझ रहा था पबजी लाइट में, मुझे मेरा डिस्प्ले एकदम से फ्रीज हो जा रहा था, मतलब इतना ज्यादा मतलब अटक अटक के चल रहा था, बाकी नेट अच्छा मिल रहा था, कोई इशू नहीं था, बट मोबाइल हैंग करने की वजह से हमारा गेम अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था और काफी कम समय में काफी ज्यादा हीट भी हो जाता था। तो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन की मदद से अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो कैसे की थी, यहाँ से मेरे फोन पे देखो, मैं एप्लीकेशन के बारे में काफी ज्यादा इंस्टॉल करता रहता हूँ तो फोन में मेरे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होती है। तो देखो कैसे, आपके फोन पे जितनी ज्यादा एप्लीकेशन होगी उतना ज्यादा आपका फोन स्लो होगा, क्योंकि आपके फोन पे जो रैम होता है, जो स्टोरेज होता है वो मिनिमम समय के लिए होता है, मतलब जितना उसका यूजेज होता है, जितना वो आपको फास्ट कर सकता है उतना तक है। मतलब आप मान लो कि आपके फोन पे 4GB रैम का और आपने इतने ज्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गए, तो इसी तरह की इन कैटेगरी की एप्लीकेशन आती है जो कि आपके फोन पे काफी ज्यादा होती है, तो वो एप्लीकेशन भी आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है तो भाई उनके लिए नॉर्मल सी रैम तो वो लोग अपना लेते रहेंगे, एनी टाइम लेते रहेंगे, और उसके बाद आप अपने फोन पे कोई हाई चीज प्ले कर लेते हैं, गेम प्ले कर लेते हैं, तो भाई कहाँ से आपका फोन अच्छा चलेगा, हैंग तो करेगा ही। तो अगर आपको फोन का अभी हैंग नहीं होने देना तो आपको इस एप्लीकेशन का मदद लेना है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन दे देना, और परमिशन देने के बाद यहाँ से आपको बूस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, आप बूस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैं देखो बूस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, बूस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे फोन के जो एप्लीकेशन होते हैं ना गाइस वो ऑटोमेटिक जो कि बंद होना शुरू हो जाते हैं। देखो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, अभी फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को सेटिंग आपको बतानी है, तो आपको इसे अप्लाई कर लेना है, मुझे पूरा एप्लीकेशन ही क्लोज करना पड़ेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं। तो वापस मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देखो कैसे, इस एप्लीकेशन का सिर्फ एक ही काम है कि आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को एकदम से रिमूव कर सकते हैं, मतलब रिमूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, बट ये है कि वो एकदम से क्लोज हो जाएंगे, उनमें कोई भी आपका डाटा, आपका मेमोरी, आपका स्टोरेज, रैम कुछ यूज नहीं होने वाला, जैसा है वो वैसा ही रहेंगे, और आपका जो इंटरनेट है ना जो बाकी एप्लीकेशन में खर्च होता रहता है वो भी उनपे नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसे आप जरूर अप्लाई कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरी सेटिंग। भाई दूसरी सेटिंग के लिए आपको अपने फोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो उस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोन को काफी हद तक हीटिंग या हैंगिंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है गाइस, देख सकते हैं, व्हाट्सएप क्लीनअप, एंड ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। हैंगिंग प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल से आपको इसे यूज करना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आप जैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे तो यहाँ से आपको स्कैनिंग वगैरह ये पूरा करेगा आपके फोन का, और उसके बाद यहाँ से आपको बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बूस्ट आपको करना है मेरे भाई, क्लीन कर लेना जिससे कि आपके फोन पे जो जंक फाइल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और बूस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फोन बहुत ज्यादा जो हैंग कर रहा है, स्लो हो रहा है, वो बिल्कुल से होगा नहीं। तो आपको किक बूस्ट पे क्लिक कर देना है, हालांकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाएगा इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा, बट आपको किक बूस्ट पे कर लेना है। ओके, ये करने के बाद दो एप्लीकेशन का यूज आपने कर लिया। अब यहाँ से आपको अपने फोन पे एक सेटिंग भी अप्लाई कर लेनी है जिससे कि आप गेमिंग खेलते समय आपका फोन जो हैंग होता है वो बिल्कुल से ना हो। तो इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको डॉपलर ऑप्शन इनेबल करना है। डॉपलर ऑप्शन किस तरह इनेबल करना है, आपको माई फोन पे चले जाना और यहाँ से आपको ब्लड नंबर का कहीं भी ऑप्शन मिले तो आप उसमें 6 से 7 बार लगातार क्लिक कर देना। जैसे उसमें क्लिक कर दोगे आपके फोन का डॉपलर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और डॉपलर ऑप्शन जब इनेबल हो जाएगा तो आप बैक ले लेना और सेटिंग को नीचे लेना, सिस्टम के ऑप्शन पे आना, नीचे देखना आपको डॉपलर ऑप्शन मिल जाएगा। तो डॉपलर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना।
अब डेवलपर ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ से नीचे ले लेना है। देखो गाइस यहाँ से आप नीचे लोगे और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, आपका फोन काफी ज्यादा हैंग करता है गेमिंग के समय, काफी ज्यादा आपका फोन हीट होने लगता है। तो यहाँ से आपको ग्राफिक ड्राइवर का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला आप देख सकते हैं, तो आपको इसमें क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद आपके फोन पे सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे, जितने भी आपके फोन पे एप्लीकेशन होंगे ना भाइयों, तो यहाँ से आपको सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो मैं अपने फोन पे पबजी खेलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आप जो भी गेम खेलते हैं और आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम दिखती है तो वो गेम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो सिंपली बात है कि आप अपने गेम्स को यहाँ से ढूंढ लेना, जैसे कि मैं अभी पबजी को ही ढूंढ रहा हूँ, तो पीक से जितने भी गेम्स होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरा पबजी, हाँ देखो बस पबजी मोबाइल एंड पबजी लाइट आप देख सकते हैं, मैंने दोनों पे सिस्टम, ये आप किसी और एप्लीकेशन में देखोगे तो ये डिफॉल्ट में रहेगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने पबजी मोबाइल पे यहाँ से सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे क्लिक किया है। तो इसकी मदद से होता है कि मेरे फोन को अच्छा ग्राफिक भी मिलता है और साथ में हमारा फोन थोड़ा सा गेम के ऊपर सपोर्ट भी करता है, और गेम अच्छा ग्राफिक देने की जगह आपका फोन हैंगिंग प्रॉब्लम से 100% सॉल्व रहता है। तो आपको यहाँ से ग्राफिक ड्राइवर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे इनेबल कर लेना। सिंपली आप जिस भी गेम को खेलते हैं और आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम मिलता है, आप यहाँ पे आके उसमें क्लिक करके सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पर सेलेक्ट कर देना, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब इतना करने के बाद फिर आप बैक ले लेना, बैक लेने के बाद फिर आपको वापस से नीचे लेना और आपको कुछ सेटिंग अप्लाई करनी है। तो नीचे लीजिए, नीचे लेने के बाद देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक ऑप्शन और मिलेगा फोर्स, ये देखो बस फोर्स 4XMS AA का जो ऑप्शन मिलता है ये आपका डिसेबल होगा, तो आप इसे इनेबल कर लेना। अब इसे आप इनेबल कर लोगे तो आपका फोन बिल्कुल से हैंग नहीं करने वाला, आप किसी भी गेम को प्ले करोगे ना बिल्कुल से थोड़ा सा भी हैंग का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिस्टम जो कि आप तभी ओपन करना जब गेम खेलते समय करना, नहीं तो नॉर्मल से अगर आप इसे इनेबल रखोगे ना तो इससे आपकी फोन की बैटरी बैकअप कमजोर होगी, क्योंकि भाई ये बहुत ताकतवर ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपका फोन हीट नहीं होगा तो आपका ताकत भी जो कि आपके फोन की बैटरी भी ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ये कुछ सेटिंग मैंने आपको बता दी, कुछ एप्लीकेशन के जरिए, कुछ फोन के सेटिंग के जरिए, तो आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से कर लेना और 100% आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो आप गेम खेलते समय देखने के लिए मिलती है वो बिल्कुल से देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।